सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में ग्राम व नगर रक्षा समितियों का वार्षिक प्रशिक्षण एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए समितियों के सदस्यों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में समितियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि रक्षा समितियां पुलिस परिवार का अभिन्न अंग हैं। किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी समितियों के द्वारा पुलिस को प्राप्त होती है, जिससे समाज में किस चीज की जरूरत है इसका आकलन समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी घटना घटित न हो उसकी रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस काम में नगर व ग्राम रक्षा समिति के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम व नगर रक्षा समिति के सदस्य हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। सदस्यों के बेरोजगारी के सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उस पर भी विचार किया जाएगा। आज नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य थे उनका वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें कि जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा जो एक शासन ने बनाई है उसके तहत जो हम जो अपने ग्राम हैं और जो नगर हैं या वार्ड हैं उनके जो व्यक्ति हैं जो कि हमारी अपने नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं उनसे परिचित होने का हमें मौका मिला है। सिंगरौली ज़िले में भी जो है जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको महत्व देते हुए हम लोगों ने हमारे ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सारे जो सदस्य हैं उनको तैयार किया हुआ है और ये लोग सभी जो भी हमारे लाइन ऑर्डर होते हैं और जो हमारी जो है बेसिक पुलिसिंग होती है उसमें निरंतर ये पुलिस के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं, काम करते हैं और इनका एक वार्षिक सम्मेलन हम लोग करते रहे हैं और उसी तारतम्य में आज जो है ज़िले के सभी थाना क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों से और सभी लोगों को बुलाया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।